अगर आपने भी एग्रीमेंट टू सेल पर जमीन इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीद रखी है, या फिर मान लीजिए आप रिसेल के लिए एग्रीमेंट पर लिए बैठे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ दोस्तों, इजलास में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा कि एग्रीमेंट टू सेल पर जमीन खरीदने वाले किस हालत में अपनी जमीन भी खो देते हैं और पैसे भी गंवा जाते हैं। तो दोस्तों, एग्रीमेंट टू सेल एक एग्रीमेंट है खरीद और फरोख्त का। दो इंसान है यहाँ पे, एक जमीन बेचने वाला है, खरीदने वाला। तो जो बेचने और खरीदने वाले हैं वो आपस में रजिस्ट्री यानी सेल डीड करवाने की बजाय वो एक एग्रीमेंट लिखवा लेते हैं स्टाम्प पेपर पे या ब्लैंक पेपर पे। एग्रीमेंट में क्या होता है कि भाई मैं फलां को अपनी ज़मीन बेच रहा हूँ, ज़मीन की डायमेंशन डिस्क्रिप्शन सब आ जाएगा, अमाउंट जो ट्रांजेक्शन हो गई वो सारी आ जाएगी। अगर कोई रजिस्ट्री की तारीख रख रहे हैं तो वो लिख देंगे, नहीं तो जब बाया चाहेगा तब रजिस्ट्री करवा लेगा। ऐसे वो लोग लिखवा लेते हैं, उसके बाद पेमेंट कर देते हैं, ज़मीन का कब्जा ले लेता है खरीदार, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं और वो रहने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे दशकों तक लोग भूल जाते हैं कि भाई हमारे पास रजिस्ट्री नहीं है, हम एग्रीमेंट पर बैठे हुए हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि भाई इंसान निश्चिंत हो जाता है कि भाई बेचने वाले का एग्रीमेंट हमारे पास है और अब कब्जा भी हमारा है, क्योंकि हम 10 साल से यहाँ रह रहे हैं तो हमारा क्या बिगड़ेगा। तो दोस्तों, जब कई दशक तक एग्रीमेंट टू सेल वाला बंदा उस ज़मीन पर रह रहा होता है तो उसको क्या रिस्क होता है, क्या उसकी ज़मीन उससे छीनी जा सकती है या उसके नाम रजिस्ट्री हो सकती है। तो दोस्तों, अब ऐसे में जो बेचने वाला है अगर वो रजिस्ट्री करवाने से मना कर देता है, या बेचने वाला गुजर गया है उसके वारिस रजिस्ट्री कराने से मना कर देते हैं, तो आपके पास क्या चारा बचता है। आपके एग्रीमेंट टू सेल में क्लोज होता है कि भाई अगर रजिस्ट्री करवाने से मना कर देगा बेचने वाला तो आप कोर्ट के माध्यम से रजिस्ट्री करवा पाएंगे, ऐसा उसमें लिखा रहता है। तो आप रजिस्ट्री का मुकदमा डालते हो, उसमें कोर्ट फीस लगाते हो, साथ ही उसके बाद आप कोर्ट में जाके ये साबित करोगे कि भाई हमने पेमेंट कर दी थी, एग्रीमेंट हो गया था, अब इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो है ना ऑर्डर कोर्ट करे ताकि हमारे एक्ट में रजिस्ट्री हो जाए। लेकिन ऐसा ही एक मुकदमा जो कि कई दशक के बाद कोर्ट के सामने पहुंचा था, वो अपीलों में, रेगुलर सेकंड अपील में हाई कोर्ट के समक्ष पहुंचता है। उसमें भी ऐसा था, उस केस का टाइटल और उसका नंबर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप वो जजमेंट आप पढ़ना चाहोगे डिटेल लाइन टू लाइन तो वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी। इस केस का टाइटल था ज्ञान कौर वर्सेस हरबंस सिंह, RSA नंबर 1220 साल 2020, और केस का डेट ऑफ डिसीजन है 12 जनवरी 2024। तो ऐसे में क्या था कि ऐसे ही डिलेड मामला था, बहुत साल हो गए थे, 20-30 साल से ज़्यादा टाइम हो गया था एग्रीमेंट हुए और रजिस्ट्री करवाई नहीं थी, तो रजिस्ट्री करवाने का मुकदमा डाला। तो हाई कोर्ट कहता है कि भाई आप इतने टाइम तक कहाँ सो रहे थे, आपने अब तक क्यों रजिस्ट्री क्यों नहीं कराई, आप अगर रेडी और विलिंग थे, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल का जो केस होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, उसमें एक फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जो मुकदमा डालने वाला है, मतलब कि एग्रीमेंट पे ज़मीन खरीदने वाला है, उसको कोर्ट के समक्ष ये साबित करना होता है कि भाई मैं रेडी और विलिंग था रजिस्ट्री कराने के लिए हमेशा से, और रिस्पोंडेंट यानी डिफेंडेंट की गलती थी, तो डिफेंडेंट फिर अपना पक्ष रखता है। तो रेडी और विलिंग अगर आप थे तो आप 20 साल 10 साल 30 साल कहाँ थे। तो और वो उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को डिक्लाइन कर देता है कोर्ट, और वो अपील जब हाई कोर्ट पहुँचती है तो हाई कोर्ट भी उसको डिक्लाइन कर देता है। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिलती है, यहाँ से हमें सीख मिलती है कि भाई जब भी कोई एग्रीमेंट पे आप या आपका कोई नोन या आपका कोई जानकार रिलेटिव एग्रीमेंट टू सेल पे कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस प्रॉपर्टी के पक्के कागज आपको बनवाने, और पक्का कागज होता है सेल डीड, क्योंकि एग्रीमेंट कोई टाइटल का डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई मलकियत का सबूत नहीं है, एग्रीमेंट सिर्फ एक वादा है खरीदने का और बेचने का। तो इस वीडियो में आपने जाना कि भाई एग्रीमेंट टू सेल में अगर आप रजिस्ट्री किए बिना आप एग्रीमेंट के बेसिस पे मकान बना के बैठे रहते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, कैसे आपके पैसे डूब जाते हैं और कैसे आपकी ज़मीन भी छिन सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।